हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का दालचा। सो कद्दू के दालचे के लिए हमने चना दाल ले लिए है 1.5 कप, एक पूरी लौकी ले ली है 1/2 kg, और उसके लिए हमने अपना ऑनियन चॉप, टमाटो, जिंजर, गार्लिक, चिली एंड करी पत्ता। हमने लौकी वॉश कर ली है, कट करके उसको वॉश कर लिया है और इसका हमने पानी निकाल दिया। इसको हमने सोक किया था 30 मिनट्स। तो हमने इसके लिए एक हंडी ले ली है, प्रेशर कुकर। तो हमें प्रेशर कुकर अच्छा ऑप्शन लगा यहाँ पे। तो हम इसको पहले ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे, लाइक 50 ml। तो हम इसमें ऑयल ऐड कर चुके हैं, ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। उसके बाद हम क्यूमिन सीड जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से पकाना है थोड़ा सा, ये अच्छा है, हेल्दी है। इसमें हम गोश्त डाल के बना सकते हैं, चिकन डाल के बना सकते हैं, पर हम इसमें ओनली दाल और कद्दू डालते हैं, तो कद्दू का दालचा। अब हम इसमें अपनी बारीक कटी गार्लिक डालेंगे, देख सकते हैं गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। गार्लिक को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे, गार्लिक को हम जलाएंगे नहीं, गार्लिक को जस्ट थोड़ा ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हम गार्लिक और फिर बारीक कटी ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन आप सॉस ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा अपने ऑयल सोते करेंगे जब तक हमारा ऑनियन गोल्डन ब्राउन नहीं होता। अब हमने मसाले ऐड कर चुके हैं अपने, इसमें थोड़ा गर्म मसाला है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, सॉल्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑयल में गरम मसाला डाल देते हैं तो जल जाता है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा वाटर मिला के तब इसको हम अपने खाने में डालेंगे। सो हमने अपने मसाला तैयार कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनियन ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑनियन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाला ऐड करेंगे, टमाटो ऐड करेंगे, ग्रीन चिली अपने टेस्ट अनुसार, आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं तो आप नहीं डाल सकते। अब हम अपने मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे टमाटो के साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टमाटर गल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, एंड अपनी चना दाल। अब हम इसमें 1/4 कप वाटर ऐड कम भी बना सकते हैं, मेथड यही होगा बनाने का। अभी हम चना दाल डाल चुके हैं, अब हम इसमें अपना कटा हुआ कद्दू डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। सो गाइस, अब हम चेक करेंगे अपना सब्जी। ओ, हमारा कद्दू का दालचा रेडी हो चुका है। आप ध्यान रखें दाल गलनी नहीं चाहिए अच्छे से, होल दिखनी चाहिए इसमें। सो अब हम इसे टेस्ट करेंगे, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। सुपर।